सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने आयुर्वेदिक यूट्यूब चैनल पंसारी के नुस्खे पर। साथियों, आज के स्टूडियो में बात करेंगे घिया सुपारी के फायदे के बारे में। जी साथियों, घिया सुपारी के फायदे क्या है मैं आपको आज के स्टूडियो में बताऊँगा। घिया सुपारी को लेने का सही तरीका और घिया सुपारी को लेते समय किन किन बातों का परहेज करना है मैं आपको आज की इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। घिया सुपारी, जिसे चिकनी सुपारी वह लाल सुपारी के नाम से भी जाना जाता है। घिया सुपारी का इस्तेमाल अधिकतर महिलाओं में गर्भाशय से संबंधित रोगों में किया जाता है। जिन महिलाओं में यूट्रस की समस्या है, जिनकी बच्चेदानी शरीर से बाहर दिखती है, उनके लिए घिया सुपारी रामबाण औषधि है। इसके साथ साथ यह घिया सुपारी महिलाओं में श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, हाथ पैरों की भड़कन, चक्कर आना, सर दर्द, किसी काम में जीने लगना, थकावट महसूस होना, चिड़चिड़ापन, शारीरिक व मानसिक कमजोरी में घिया सुपारी अत्यंत लाभकारी औषधि है। साथियों, घिया सुपारी के इस्तेमाल से महिलाएं निरोगी व स्वस्थ रहती है। साथियों, घिया सुपारी का इस्तेमाल किस प्रकार करना है वो बताते हैं आपको। आपको लेनी है 150 ग्राम घिया सुपारी, 100 ग्राम देसी खांड और 150 ग्राम देसी घी। घिया सुपारी को बिल्कुल बारीक पीस लीजिए और उसमें 100 ग्राम देसी खांड और 150 ग्राम देसी घी मिलाकर किसी डब्बे में भरकर रख दीजिए। ये दवा आपको करीब 10 ग्राम दवा एक चाय का चम्मच के बराबर, एक चाय का चम्मच दवा सुबह खाली पेट और एक चाय का चम्मच दवा रात को सोते समय दूध के साथ लेनी है। इसके बाद खाने के बाद आपको 30-30 ml अशोकारिष्ट सिरप लेनी है। ये दवा लेते समय आपको गुड़, तेल, खटाई, आम का अचार, डालडा घी वे तली भुनी चीज़ों का परहेज करना है। इस दवा का किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। अगर साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारी नई नई जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल पंसारी नुस्खे को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।